Yeah.
पार्टी रखा है, तो हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कंट्री जो हमारे बिलावट मुल्क है, कंट्री है, वो एक बाग की तरह है जिसमें अनेक फूल खिलते हैं। और उसका एक सबूत ये है कि आज हमारे आर्मी ने, हमारे सिविलियन जो मुस्लिम, आपको पता है कि आजकल रोज़ा चल रहा है, मुतबरक महीना चल रहा है, तो उसमें उसको खराज ये उसको ये पेश करने के लिए हमारे रोज़े इफ्तार के लिए एक प्रोग्राम रखा। उसके लिए हम आर्मी के ब्रिगेडियर साहब जो प्रतीक सर है या उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें शामिल है, उन सबको शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और शुक्रिया भी, क्योंकि आप जानते हैं कि करगिल में पहले से ही एक आर्मी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है, वो आज भी कायम है, हो रहा है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी ये रिश्ता न सिर्फ कायम रहेगा बल्कि और दिन के साथ और मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। और ये उस कड़ी का एक सिलसिला, उस सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हमें, आप सब हम यहाँ पे आए हैं। इन्होंने एक अच्छा सा इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया था, उसमें आपने देखा कि हमारे जितने भी मजहबी इदारे के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या बाकी सियासी जो लोग थे या हमारे जो जी एज़ शख्सियात जो शहरी थे या डिस्ट्रिक्ट अफसरान थे, सब यहाँ पे आए। अच्छा लगा, इसमें हमारा एक किस्म का गेट टुगेदर भी होता है, तो उससे एक दूसरे के व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। तो हम आर्मी के बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम आज उसने प्रोग्राम रखा है। थैंक यू।